हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो ये है लिनोवो के एक ब्लूटूथ हेडसेट जो कि बेसिकली नेक बैंड स्टाइल में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर हम बॉक्स की फ्रंट की बात करें तो सबसे टॉप पे लिनोवो और उसके साथ कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, इसके नीचे हैंगिंग हेडफोन्स लिखा हुआ है। इसके बाद प्रोडक्ट की पिक्चर लगाई हुई है और साइड पे लिनोवो की ब्रांडिंग हुई है। अगर हम इस बॉक्स की बैक साइड की बात करें तो इसके बैक साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर हम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। अगर हम इसके बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले नेक बैंड दिया हुआ है, एक यूज़र मैनुअल, एक माइक्रो यूएसबी केबल, कुछ ईयर टिप्स। अगर हम इस नेक बैंड की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका मॉडल नंबर HE05X है जो बेसिकली HE05 का सक्सेसर है। अगर हम इसकी हेडफोन टाइप की बात करें तो ये इन एयर डिज़ाइन के साथ आते हैं। फर्दर अगर हम इसके ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ये ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इसकी ब्लूटूथ डिस्टेंस की बात करें तो इसकी ब्लूटूथ डिस्टेंस 10 मीटर है। अगर हम इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। अगर हम इसकी कॉल टाइम की बात करें तो इसकी कॉल टाइम 6 घंटे है। इसके बाद अगर हम इसकी म्यूज़िक टाइम की बात करें तो इसकी म्यूज़िक टाइम 8 घंटे है। अगर हम इस हेडसेट की बैटरी की बात करें तो इसमें 110 mAh की बैटरी लगाई हुई है। ये हेडसेट IPX5 वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रोटेक्शन के साथ आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसके साथ आप नॉर्मली जिम वगैरह कर सकते हो। इस हेडसेट की स्पीकर साइज़ 10 mm है। अगर हम इस नेक बैंड की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये मुकम्मल तौर पर रबराइज्ड प्लास्टिक से बनी हुई है। अगर हम इसकी रबर की क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो इसके इस साइड पे लिनोवो की ब्रांडिंग हुई है। इस तरह अगर हम इसकी दूसरी साइड की बात करें तो इस पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं जिस पे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन, पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। फर्दर अगर हम इस साइड की बात करें तो इस पे एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। फर्दर अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आते हैं। अगर हम इस नेक बैंड की कनेक्टिविटी की बात करें तो ये iOS और एंड्रॉयड दोनों के साथ काफ़ी तेज़ी से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसकी साउंड क्वालिटी HE05 से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हो तो आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी अपने बजट के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। आप इसे डेफिनेटली बाई कर सकते हो। फर्दर अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।